नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम कुछ अलग अलग टाइप के होमोमॉर्फिज्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद में उसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो लिख के बताऊंगी। हमारे पास में दो रिंग्स हैं, आर एंड आर डैश, और एक होमोमॉर्फिज्म है फाई फ्रॉम आर टू आर डैश। ये एक होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस फाई वाई, एंड सेकेंड फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स फाई वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम इस होमोमॉर्फिज्म मैपिंग के अंदर एक एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो हमें क्या टर्म मिलती है, उन सभी टर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर इस मैपिंग में हम 1 1 ऐड कर दें, यानी कि ये हमारे पास में मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाने के साथ साथ अगर ये 1 1 भी हो जाए तो इस मैपिंग को हम कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। यानी कि अगर कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म है वो 1 1 भी हो गई है तो हम उसको कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। सेकेंड कंडीशन है, अगर वो होमोमॉर्फिज्म हो जाने के कारण, सॉरी, वो एक मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म, ये दो अलग टाइप की मॉर्फिजम्स मिल गई है हमें। थर्ड है हमारे पास में कि अगर कोई मैपिंग 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू भी है और उसके साथ साथ में वो होमोमॉर्फिज्म तो है ही, तो ऐसे केस में हम उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर हमारे पास में एक मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, उसी के साथ साथ में अगर आर इज इक्वल टू आर डैश हो जाए, यानी कि डोमेन और को डोमेन अगर हमारे पास में सेम हो जाए, तो ऐसे केस में हम उस मैपिंग को कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में मैपिंग 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो और उसके साथ साथ में आर इज इक्वल टू आर डैश भी हो जाए, अगर हमारे पास में कोई मैपिंग है जो कि होमोमॉर्फिज्म तो है ही, उसके साथ साथ वो 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए और आर इज इक्वल टू आर डैश भी हो जाए, तो ऐसे केस में हम उसको कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। मैं इसको 1 by 1 वापस से आपको रिकॉल करा देती हूँ, इसको आपको समझना आसान हो जाएगा और फिर मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताऊंगी। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है जो 1 1 भी है तो उसको हम कहेंगे मोनोमॉर्फिज्म। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है जो कि ऑन टू भी है तो हम उसको कहेंगे एपीमॉर्फिज्म। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो हम उसको कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है वहां पर डोमेन और को डोमेन सेम हो जाता है तो हम उसको कहेंगे एंडोमॉर्फिज्म। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है जहां पर वो 1 1 भी हो जाती है, ऑन टू भी हो जाती है और आर इज इक्वल टू आर डैश हो जाता है, यानी डोमेन और को डोमेन सेम हो जाता है, तो ऐसे केस में हम उसको कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म को आप ये भी कह सकते हो, ऑटोमॉर्फिज्म एक ऐसी आइसोमॉर्फिज्म है जहां पर आर इज इक्वल टू आर डैश हो जाता है। अब मैं इन सभी की फॉर्मल डेफिनेशंस जो हैं वो स्टार्ट करती हूँ। लेट आर प्लस डॉट एंड आर डैश सर्कुलर एडिशन सर्कुलर मल्टीप्लीकेशन आर टू रिंग्स। तो हमारे पास में फर्स्ट है, सॉरी साथ में हम ये लिख रहे हैं, एंड
फाइव फ्रॉम आर टू आर डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म देन फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में इफ फाइव इज वन वन देन फाइव इज एन फाइव इज अ मोनोमॉर्फिज्म। अगर फाइव वन वन हो जाती है तो हम कहेंगे कि फाइव मोनोमॉर्फिज्म हो गई है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सेकेंड है इफ फाइव इज ऑन टू देन फाइव इज एपीमॉर्फिज्म। थर्ड है हमारे पास में इफ फाइव इज वन वन एंड ऑन टू देन फाइव इज एन आइसोमॉर्फिज्म। यहां पर एक और चीज लिखिए इफ सॉरी आर एंड आर डैश आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक। कोई भी दो रिंग्स को हम आपस में आइसोमॉर्फिक कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन आर एंड आर डैश। अगर हमारे पास में दो रिंग्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि वो आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के साथ में, ऐसा कब होगा? जब उनके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। उनके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी आर से आर डैश के बीच में जो कि वन वन हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो। और एक और चीज जो मैं आपको आगे आने वाले डेफिनेशंस में भी होल्ड करेगी और इन डेफिनेशंस में भी होल्ड कर रही है कि एक से ज्यादा मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर सकता है दो रिंग्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि अगर मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक ही होगा, एक ही मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा दो रिंग्स के बीच में, या एक ही एपीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा या एक ही आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ इफ आर इज इक्वल टू आर डैश देन फाई इज एन एंडोमॉर्फिज्म। फिफ्थ है एन एंडोमॉर्फिज्म, एन एंडोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। इफ फाई इज वन वन एंड ऑन टू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ फाई इज वन वन ऑन टू एंड आर इज इक्वल टू आर डैश देन फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। या फिर आप इसको एक और चीज लिखकर ऑटोमॉर्फिज्म लिख सकते हो कि इफ इफ आर इज इक्वल टू आर डैश देन आइसोमॉर्फिज्म इज ऑटोमॉर्फिज्म, देन आइसोमॉर्फिज्म इज ऑटोमॉर्फिज्म। यानी कि अगर हम किसी भी मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दें जहां पर डोमेन और को डोमेन सेम है, एक ऐसी मैपिंग जहां पर डोमेन और को डोमेन सेम है और वो
वहां पर हम एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करा देते हैं, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अलग-अलग होमोमॉर्फिज्म्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो हैं वन बाय वन इस सेक्शन की डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।